हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल रीजनिंग अनलॉक्ड मेरा नाम है राहुल मौर्या और आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रॉन्ग क्लॉक देखो इससे पहले मैंने क्लॉक की दो क्लासेस ली थी जिसमें मैंने आपको क्लॉक का पार्ट वन और पार्ट टू कवर कराया था उसमें मैंने आपको नॉर्मल क्लॉक के सारे केसेस कवर करा दिए थे और आपको शॉर्टकट्स भी सिखाए थे जिनकी मदद से आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते थे आज का जो टॉपिक है रॉन्ग क्लॉक इसको हम एज ए सेपरेट चैप्टर भी कंसिडर कर सकते हैं उसका कारण यह है कि अभी तक हमने जितनी नॉलेज या जितनी इन्फॉर्मेशन गेन की है प्रीवियस क्लासेज में क्लॉक से या नॉर्मल क्लॉक के बारे में जितना भी हमने पढ़ा है जनरली उन concepts का इस्तेमाल रॉन्ग क्लॉक में नहीं होता ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप है बिल्कुल अलग वेराइटी क्वेश्चन होते हैं सो so, इसको आप सेपरेट चैप्टर की तरह भी पढ़ सकते हो उसका लिंक नहीं है किसी और चीज से ठीक है और दूसरी चीज ये कि रॉन्ग क्लॉक के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें ना काफी हैवी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है खासकर कुछ टाइप्स में सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि जब आप रॉन्ग क्लॉक की प्रैक्टिस करेंगे घर पर तो काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपकी कैलकुलेशन एग्जाम में आपको क्वेश्चन डिले ना कराए या फिर आप लेट ना हो जाए क्वेश्चन करने में ठीक है ताकि आप जल्दी सॉल्व कर पाए बेसिकली क्वेश्चन को सो so, हम क्या करेंगे रॉन्ग क्लॉक के जितने भी टाइप्स हैं एक एक करके सारे कवर करेंगे मैं बिल्कुल डिस्टिंग्विश करूंगा कि ये टाइप वन है उसकी लैंग्वेज का ध्यान दीजिएगा वो लैंग्वेज एज इट इज़ आएगी अगर एग्जाम में आएगी और जितने भी टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं वो सारे मैं कवर कराऊंगा आज की क्लास में सो आई प्रोमिस यू कि जितने भी एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी वैरायटी रॉन्ग क्लॉक की इससे बाहर नहीं आएगी आज की क्लास में जितना भी हम सीखने वाले हैं सो so, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की क्लास रॉन्ग क्लॉक देखो सबसे पहले रॉन्ग क्लॉक का मतलब होता है खराब घड़ी अब ऑब्वियसली जब इस टॉपिक का नाम ही रॉन्ग क्लॉक है तो घड़ी में कोई ना कोई खराबी होगी सो so, देखो जो हमारे पास नॉर्मल क्लॉक होती है नॉर्मल क्लॉक होती है एक हो गई हमारे पास नॉर्मल क्लॉक नॉर्मल क्लॉक का मतलब सही घड़ी जिसमें कोई भी खराबी नहीं होती ना ही ये कुछ भी लूज करती है और ना ही ये कुछ भी गेन करती है ठीक है जितना चलना चाहिए उतना चलती है एक हमारे पास खराब घड़ी होती है जिसको मैंने अभी समझाने के लिए कह दिया रॉन्ग क्लॉक वन और एक खराब घड़ी होती है जिसको मैंने समझाने के लिए कह दिया रॉन्ग क्लॉक टू अब देखो घड़ी में दो ही प्रकार की खराबी होती है टोटल या तो उसे जितना चलना चाहिए उससे तेज़ चलती है और फालतू के मिनट्स गेन कर लेती है या फिर उसे जितना चलना चाहिए उससे धीरे चलती है और कुछ मिनट्स खो देती है यानी लूज़ कर जाती है तो ये जो नॉर्मल क्लॉक होती है ये बिल्कुल ठीक होती है इसमें कोई खराबी नहीं होती तो उसके बारे में तो बता के कोई फ़ायदा है नहीं पढ़ चुके हैं सब कुछ अभी देखो रॉन्ग क्लॉक है सपोज मैंने कहा कि इस घड़ी में खराबी है कि हर 24 घंटे में 10 मिनट्स गेन कर जाती है यानी 10 मिनट की बढ़ोतरी हासिल कर लेती है हर 24 घंटे में जब रियल में करेक्ट 24 घंटे का समय बीतता है तो ये जितना चलना चाहिए थी उससे फालतू कितना चल जाती है 10 मिनट और इस घड़ी में खराबी है कि हर सही 24 घंटे में 10 मिनट लूज कर जाती है यानी 10 मिनट खो देती है ठीक है सो so देखो अगर मैं आज इसे सही सेट करता हूँ इन दोनों घड़ियों को मैं सही सेट करता हूँ आज सुबह के दस बजे इसे भी मैंने आज सुबह के दस बजे सेट किया और इसे भी मैंने आज सुबह के दस बजे सही सेट किया सो so, मैं कहता हूँ करेक्ट एक दिन बीतने के बाद सही में एग्जैक्ट ट्वेंटी फोर आवर्स बीतने के बाद अगले दिन इसमें क्या टाइम होगा अगले दिन इसमें टाइम होगा दस बजकर दस मिनट क्योंकि फालतू के दस मिनट्स गेन कर लिए खराबी थी इस घड़ी में और वैसे ही इस घड़ी में अगले दिन क्या टाइम होगा इस घड़ी में टाइम होगा नौ बजकर पचास मिनट ठीक है सही चौबीस घंटे बीतने के बाद इसमें टाइम है दस बज के दस मिनट और इसमें टाइम है नौ बज के पचास मिनट इसमें खराबी थी दस मिनट गेन करती थी इसने दस मिनट फालतू के गेन कर लिए ये यूजलेस मिनट्स गेन कर लिए और इसमें खराबी थी दस मिनट लूज़ करती थी तो यहाँ पे दस मिनट इसने खो दिए कीमती दस मिनट खो दिए तो जो सही चौबीस घंटे थे सही चौबीस घंटे थे उन सही चौबीस घंटे में इसने खुद कितनी यात्रा की खुद कितना ट्रैवल किया तो इसने ट्रैवल किया गेंद वाली घड़ी ने चौबीस घंटे टेन मिनट्स ये है इसका ट्रैवल टाइम और यह है एक्चुअल टाइम जो बीता था और वैसे ही इसने कितना टाइम इसने कितना ट्रैवल किया 24 घंटे में इसने ट्रैवल किया 23 घंटे 50 मिनट और सही के 10 मिनट जो सही 10 मिनट थे वो इसने खो दिए ठीक है सो so, देखो ये है दो सिनेरियो खराब घड़ी के गेन वाली और लूज वाले याद रखना स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो ये जो घड़ियाँ हैं रॉन्ग क्लॉक ये ना थेरेटिकल पढ़ रहे हैं काल्पनिक घड़ियाँ हैं जनरली रियल वर्ल्ड में ऐसी घड़ियाँ एग्जिस्ट नहीं करती इससे पहले हमने जितना भी नॉर्मल क्लॉक के बारे में पढ़ा था वो सब कुछ रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है जो हमारे घरों में घड़ी लगी होती है नॉर्मल दीवार घड़ी जितनी भी चीज़ें पढ़ाई थी वो सब इंप्लीमेंट होती हैं उस घड़ी पर और ये जो घड़ियाँ हैं ना ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के पर्पज़ से हैं कि अगर ऐसी होती इफ के साथ है अगर ऐसी होती तो क्या होता ठीक है अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको बतानी है सबसे पहली चीज ये कि अगर मुझे इसे करेक्ट टाइम बनाना है दस बज के दस मिनट को करेक्ट टाइम बनाना है तो आप खुद सोचें कि इसमें मैं ऐड करूंगा या सब करूंगा सीधी बात है दस बज के दस मिनट में दस मिनट गेन किए हुए हैं इसने तो मुझे सही वक्त तक बनाने के लिए इसमें से टेन माइनस करने पड़ेंगे और ये जो थे जिसमें नौ पचास हो रहे थे इसे सही वक्त बनाने के लिए मुझे इसमें टेन ऐड करने पड़ेंगे सो so, इससे हमें ये सीखने मिलता है कि जो भी घड़ी गेन करने वाली होती है उसने जितने भी मिनट्स गेन किए होते हैं गेन मिनट्स उन्हें हमेशा माइनस किया जाता है सही वक्त बनाने के लिए और जो भी घड़ी लूज़ करती है उसने जितने भी मिनट्स खोए होते हैं लॉस्ट मिनट्स उन्हें हमेशा ऐड किया जाता है सही वक्त तक जाने के लिए याद रखना इस पूरे सिनेरियो में सिर्फ दो ही चीज़ें समझनी है आपको अच्छे ढंग से कि एक घड़ी होती है बढ़ने वाली जो मिनट्स गेन करती है और एक घड़ी की होती है मिनट्स खोने वाली तो जो घड़ी गेन करने वाली होती है वो खुद 24 फोर आवर्स में ख़ुद कितना ट्रैवल करती है उसका ट्रैवल टाइम क्या है लूज़ वाली का ट्रैवल टाइम क्या है और जो भी गेन मिनट्स होते हैं वो हमेशा माइनस किए जाते हैं और जो भी लॉस मिनट्स होते हैं वो हमेशा ऐड किए जाते हैं अब हम करते हैं फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन अब देखो मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये है हमारा टाइप वन का क्वेश्चन या फिर फर्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन ठीक है इसमें देखो क्या बताया गया है हिंदी में मैं पूरा समझा रहा हूँ सवाल उसके बाद मैं आपको इसका आंसर कराता हूँ यहाँ पे बताया गया है कि मेरी एक घड़ी है वो घड़ी हर 24 घंटे में 10 मिनट गेन कर लेती है सही वक्त से 10 मिनट एक्स्ट्रा चल जाती है उस घड़ी को मैंने आज सुबह के 10 बजे सही सेट किया तो बताएं जब अगले दिन दोपहर के उस घड़ी में तीन बजेंगे तो सही वक्त क्या हुआ होगा देखो सीधी सिंपल सी बात है जब इस घड़ी में खराबी है हर 24 घंटे में 10 मिनट की बढ़ोतरी हासिल कर लेती है जब अगले दिन ये जो भी टाइम दर्शाएगी वो सही टाइम तो नहीं होगा उसमें कोई ना कोई तो वेरिएशन होगी तो हमें करेक्ट टाइम पता करना है ये तो उसका टाइम है तीन बजे तो देखो कैसे करते हैं ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि इस घड़ी में क्या खराबी थी हमें पता चला कि ये चौबीस घंटे में दस मिनट गेन कर लेती है ठीक है इसका मतलब इसका खुद का ट्रेवल टाइम क्या है खुद चौबीस घंटे में ये कितना सफ़र करती है ये करती है चौबीस घंटे दस मिनट का सफ़र इसकी ये है अपनी यात्रा सही चौबीस घंटे में ठीक है इसको मैंने आज सेट किया था सुबह के दस बजे सही ठीक है इसकी वो निकाल के चावी निकाल के सही दस बजे पर लाके उसको प्रेस किया और फिर इसको इसके हाल पर छोड़ दिया और अगले दिन ये क्या टाइम दिखा रही है अगले दिन ये टाइम दिखा रही है दोपहर के तीन सो अब ध्यान से देखो आज सुबह के दस बजे से लेके अगले दिन दोपहर के तीन बजे तक कितने घंटे बीत गए उनतीस घंटे बीत गए सुबह के दस से आज की सुबह मतलब आज की सुबह के दस से अगले दिन की सुबह तक चौबीस और फिर एक्स्ट्रा पाँच घंटे उनतीस घंटे जब ये घड़ी हर चौबीस घंटे में दस मिनट गेन करती है तो ये उनतीस घंटे में कितने मिनट गेन करेगी ये हम पता कर लेंगे और जो गेन मिनट्स होते हैं वो इस टाइमिंग में से सब कर देंगे हमारा सही टाइम आ जाएगा पर यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि इसमें ना डायरेक्ट यूनिटरी मेथड नहीं लगता कि 24 घंटे की वैल्यू 10 के बराबर है तो 29 घंटे की वैल्यू कितनी 24 घंटे में चौबीस रुपए की 10 टॉफी आती है तो 29 घंटे की कितनी इसमें थोड़ा सा अलग टाइप से करना पड़ता है इस क्वेश्चन को तो देखो कैसे करेंगे ध्यान से सुनना सबसे पहले जो भी घड़ी यहां पे इन्वॉल्व है क्वेश्चन में चाहे वो बढ़ने वाली है या घटने वाली है गेन करने वाली है लूज करने वाली है हमेशा उसका टाइम बताया जाएगा कि वो 24 घंटे में 10 मिनट गेन करती है या लूज करती है उसको लिखना है ऊपर ठीक है ये पी वाई क्यू फॉर्म है उसमें ऊपर लिखने हैं जो भी मिनट गेन के क्वेश्चन में गिवन है या लूज के क्वेश्चन में गिवन है ठीक इसके बाद नीचे लिखेंगे आप जो भी उसका ट्रैवल टाइम है जो घड़ी इन्वॉल्व है ना क्वेश्चन में 24 घंटे में उसका अपना ट्रैवल टाइम जो है वो लिखेंगे आप नीचे 24 फोर आवर्स टेन मिनट्स इन में टोटल आर्स जो बीते बस इस फॉर्मेट को याद रखेगा चाहे घड़ी गेन की है लूज़ की है उसके बारे में बताया गया होगा कि वो कितना लूज करती है कितना गेन करती है जितने भी मिनट्स वो लूज या गेन करती है वो ऊपर लिखने हैं नीचे लिखना है क्वेश्चन में शामिल जो घड़ी है उसका अपना ट्रेवल टाइम इन टू टोटल आर्स जो बीते इसको सॉल्व कर देंगे बस इसको देखो मैंने कहा टेन इसको मैं अगर आर्स में चेंज करता हूँ तो टेन मिनट्स किसके कुल होते हैं एक बैठे छः घंटे के तो ये आ गया मेरा ट्वेंटी फोर वन बाई सिक्स टेन मिनट्स को चेंज कर दिया आर में इन आ गया ट्वेंटी नाइन इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया तो ये आ गया टेन इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा ट्वेंटी फोर इंटू सिक्स वन फोर्टी फोर प्लस वन वन फोर्टी फाइव नीचे जो अपॉन सिक्स है वो ऊपर चला जाएगा और इंटू हो गया ट्वेंटी नाइन प्लेन कैलकुलेशन है ठीक है मैथ्स की ट्वेंटी नाइन से देखो कितने से कटा फाइव से कटा और फाइव से कितने से कटा टू से टू इंटू सिक्स कितने हो गए ट्वेल्व मिनट्स अब देखो क्वेश्चन में जो घड़ी थी ये गेन वाली थी तो ये जो 12 मिनट्स है ये क्या है ये गेन है बड़े हुए मिनट्स हैं मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया अभी कि जो मिनट्स गेन होते हैं उन्हें माइनस किया जाता है सही वक्त तक जाने के लिए तो इस घड़ी में टाइम हो रहा था अगले दिन तीन बजे इसमें से मैं माइनस करूँगा बारह मिनट तो मेरा जो सही टाइम है वो आ जाएगा इसका मतलब सही टाइम हो रहा है अगले दिन दो बज के अड़तालीस मिनट ये क्वेश्चन समझ में आया अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन में हमने जो सिनेरियो लिया है वो है गेन वाली मिनट का अब हम एक काम करते हैं फटाफट फ़्ट से मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ बिल्कुल सेम टाइप का उसमें सिर्फ इतना डिफरेंस रखूंगा कि यहाँ गेन वाली घड़ी ली है वहाँ पर लूज़ वाली घड़ी रखेंगे सो so गेन वाला क्वेश्चन हो गया था फटाफट फ़्ट से एक लूज़ वाला क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अच्छे ढंग से समझ में आ जाए आपको तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूँ इस बार घड़ी में खराबी है कि मेरी घड़ी हर 24 घंटे में हर 24 घंटे में 16 मिनट्स 16 मिनट्स लूज कर जाती है ठीक है इसको मैंने संडे को सही सेट किया ऑन संडे आई सेट इट राइट एट फाइव फाइव पी ठीक है शाम के पाँच बजे संडे को मैंने इसे सही सेट किया फिर मैंने बोला वट विल बी द करेक्ट टाइम वैन माए क्लॉक शोज टेन ए एम ऑन वेंसडे ठीक है फटाफट से क्वेश्चन सुन लो सवाल ये है कि इस बार मेरी घड़ी हर 24 घंटे में 16 मिनट लूज कर जाती है पीछे हो जाती है इसको मैंने संडे की शाम के पाँच बजे बिल्कुल सही सेट किया तो जब मेरी इस घड़ी में बुधवार की सुबह के 10 बजेंगे तो सही टाइम क्या हुआ होगा अब देखो बिल्कुल वैसे सॉल्व करेंगे चौबीस घंटे में ये जो घड़ी है ये करती है 16 मिनट्स लूज 16 मिनट पीछे हो जाती है इसका मतलब ये खुद कितना चलती है 24 घंटे में ये खुद चलती है 23 घंटे 44 मिनट ठीक है इसे सही सेट कब किया था इसे सही सेट किया था संडे की शाम के पाँच बजे ए एम पी एम का ध्यान रखना क्वेश्चन करते समय और ये टाइम कितना दिखा रही है बुधवार को ये दिखा रही है सुबह के दस बजे एक काम करते हैं इसको वेंसडे की जगह थर्सडे ले लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन फ्रैक्शन में ना आए प्रॉपर सब काट पीट हो जाए सो so, इसको मैंने मान लिया थर्सडे की सुबह के दस बजे ठीक है यहाँ पे भी चेंज कर दिया इसको मैंने मान लिया थर्सडे सो so, देखो अब क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये है कि सोलह मिनट लूज़ करती है और चौबीस घंटे में संडे की शाम को पाँच बजे सही सेट किया तो जब वो थर्सडे यानी बृहस्पतिवार की सुबह के दस बज रहे होंगे उस समय करेक्ट टाइम क्या होगा तो मैंने कहा चौबीस घंटे में सोलह मिनट लूज़ किए तो चौबीस घंटे में उसका ट्रेवल टाइम आ गया इतना संडे की सुबह के संडे की शाम के पाँच बजे सही सेट किया और टाइम दिखा कितना रही है थर्सडे की सुबह के दस अब आप कैलकुलेट कर लो कि कितने घंटे बीत गए इस बीच देखो संडे से लेके थर्सडे की सुबह तक संडे से लेके थर्सडे या फिर आप एक काम करो संडे मंडे ट्यूसडे, वेंसडे, ठीक है हो गए हमारे सीधा बहत्तर घंटे यानी वेंसडे की शाम के पाँच बजे सेवेंटी टू आवर्स हो गए फिर थर्सडे की सुबह के पाँच बजे तक बारह और जोड़ दो एट्टी फोर और उसके पाँच कितने हो गए पाँच घंटे एक्स्ट्रा तो टोटल हो गए हमारे एट्टी नाइन आर्स ठीक है आप कैलकुलेट कर लेना ध्यान से आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितने आवर्स आ रहे हैं एट्टी नाइन आर्स आ रहे हैं सो so, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन करेंगे चौबीस घंटे में सोलह मिनट लूज़ करती है तो ऊपर लिखा जो भी लूज या गेन का टाइम होता है उसे लिखते हैं ऊपर नीचे लिखते हैं ट्रैवल टाइम तो यह आ गया तेईस घंटे चवालीस मिनट इन टोटल आवर्स कितने हैं एटी नाइन बस इसको सॉल्व कर देंगे इसके बाद प्लेन कैलकुलेशन है तो ये आया हमारा सिक्सटीन ये हो जाएगा हमारा ट्वेंटी थ्री एलेवन बाई फिफ्टीन ठीक है सिक्सटी से डिवाइड करूंगा फोर से कटेंगे दोनों तो 11 बाई फिफ्टीन इंटू एटी नाइन और सॉल्व किया तो यह आया सिक्सटीन इस फ्रैक्शन को सॉल्व करूँगा मिक्स फ्रैक्शन को जो सॉल्व करूंगा तो यह आ जाएगा हमारा थ्री फोर्टी फाइव प्लस इलेवन थ्री फिफ्टी सिक्स अपॉन फिफ्टीन ऊपर चला जाएगा इंटू एटी नाइन एटी नाइन से देखो सीधा कट रहा है फोर से और फोर से कट रहा है फोर से फोर इंटू फिफ्टीन हो गए सिक्सटी मिनट्स देखो बच्चों ये जो सिक्सटी मिनट्स हैं ये गेंद वाले हैं या लूज वाले हैं क्वेश्चन में जो खड़ी थी वो हमारी थी लूज वाली तो ये जो सिक्सटी मिनट्स हैं ये कौन से हैं ये है लॉस्ट वाले तो आपको बताया था कि जो लॉस्ट मिनट्स होते हैं उन्हें ऐड किया जाता है सब ट्रैक्ट तो उन्हें ऐड किया जाता है तो इसमें टाइम हो रहा था थर्सडे की सुबह के दस तो इसमें मैं एक घंटा सिक्सटी मिनट्स ऐड कर दूंगा तो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा 11 ए एम ऑन थर्सडे ठीक है सो मैंने आपको दो कंप्लीट क्वेश्चन करा दिए फर्स्ट टाइप के जिसमें हमें क्या दिया गया होता है 24 घंटे में या किसी भी ड्यूरेशन में बताया गया होता है कि घड़ी कॉन्स्टेंटली कितने मिनट गेन करती है या लूज़ करती है उसके बाद उस घड़ी का टाइम बता दिया जाता है फ्यूचर में कि इट्स इस दिन वो इतना टाइम दिखा रही थी तो सही टाइम बताओ तो उसका एक क्वेश्चन गेन वाला कर लिया एक क्वेश्चन लूज कर लिया लूज वाला कर लिया सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको इस फर्स्ट टाइम से रेलेटेड एक लास्ट चीज़ सुन लो जिसमें मैंने स्टूडेंट्स को ना बहुत बार गलती करते देखा है सिर्फ लैंग्वेज चेंज करते हैं और स्टूडेंट्स फंस जाते हैं देखो सपोज़ मैंने कहा कि मेरी घड़ी में ख़राबी है कि वो हर 24 घंटे में सपोज 10 मिनट्स गेन करती है ठीक है तो ये ठीक है हमारे टेन मिनट्स गेन करती है ट्रेवल टाइम आ जाएगा चौबीस घंटे में चौबीस घंटे दस मिनट उसके बाद वो क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं कि मैंने आज सुबह के दस बजे उसे सही सेट किया सुबह के दस बजे तो चौथे दिन फोर्थ डे जब मेरी घड़ी में शाम के छः बज रहे थे शाम के छः बज रहे थे तब करेक्ट टाइम क्या था तो यहां पर क्या होता है कि जब मैं टुडे टुमारो यूज़ करता हूं तो स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होती टोटल आर्ट्स कैलकुलेट करने में संडे मंडे यूज़ करता हूं तो भी स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं होती पर मैंने क्लासेस लेते समय कई बार नोटिस किया है कि जब मैं टुडे के बाद फोर्थ डे फिफ्थ डे यूज़ करता हूं तो स्टूडेंट्स टोटल आर्ट्स कैलकुलेट करने में ही गड़बड़ कर देते हैं याद रखना बच्चों स्टूडेंट्स क्या करते हैं पहले ये है सुनो वो क्या करते हैं जनरली कहते हैं आज सुबह के दस बजे से लेके फोर्थ डे चार दिन हो गए सुबह के दस तक तो चौबीस को चार बार जोड़ देते हैं नाइन्टी सिक्स आ जाता है और उसके बाद देखते हैं एक्स्ट्रा कितने घंटे हैं सुबह के दस तक हो गए नाइन्टी सिक्स और उसके बाद एक्स्ट्रा है आठ तो उसमें आठ घंटे जोड़ के एक सौ चार घंटे कर देते हैं पर एक्चुअल में बच्चों ये जो टुडे है ना टुडे इट्स सेल्फ इज कंसिडर्ड फर्स्ट डे ठीक है इसको खुद को ही पहला दिन माना किया जाता है पहला दिन होता ही है अगर मैं कहता हूँ ना कि आज संडे है तो एक दिन बाद क्या आएगा तो आप कहोगे मंडे मैं कहूँगा आज संडे है तो दो दिन बाद क्या आएगा तो आप कहोगे ट्यूसडे तो एक दिन बाद वो एक दिन क्या था खुद संडे था तो टुडे इट्स सेल्फ कंसिडर्ड एज फर्स्ट डे तो यहाँ पर याद रखना टुडे से लेकर फोर्थ डे के बीच में चौबीस की तीन साइकिल्स होंगी टुडे से लेकर फोर्थ डे के बीच में चौबीस घंटे की तीन साइकिल होंगी जिससे आप फोर्थ डे की सुबह के दस तक पहुंच जाओगे तो चौबीस इंटू तीन हो गया बहत्तर सेवनटी टू आवर्स उन सेवेंटी टू आवर्स के ऊपर है आठ घंटे तो ये आएगा एट्टी आवर्स बस याद रखना जैसे ये हो गया फर्स्ट डे सेकेंड डे थर्ड डे फोर्थ डे इसमें थे सुबह के दस और फोर्थ डे थे शाम के छः तो इसमें सुबह के दस तक हो गए चौबीस सुबह के दस तक हो गए चौबीस चौबीस और इसमें भी सुबह के दस तक हो गए चौबीस ठीक है चौबीस की तीन साइकिल्स आईन बताया मैंने सेवेंटी टू आवर्स और उसके बाद हमारे आठ घंटे एक्स्ट्रा एक्सट्राइम वो जोड़ दिए एट्टी तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना इसमें गड़बड़ मत करना तो इसके साथ हमारा जो फर्स्ट टाइप है फर्स्ट वैरायटी है रॉन्ग क्लॉक की वो पूरी तरह से कम्प्लीट हो गई अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड टाइप पे सो देखिए ये है हमारा अगला टाइप ये जो टाइप है ये प्रीवियस वाले टाइप से बिल्कुल डिफरेंट है इससे पहले वाले क्वेश्चन से यहाँ पे खास बात ये है कि हर टाइप हर वैरायटी पिछली वैरायटी या अगली वैरायटी से डिफरेंट होगी ठीक है अपने आप में सेपरेट टाइप्स होते हैं और जब एग्जाम में आते हैं तो बिल्कुल एज इट इज सेम लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन आते हैं अब ध्यान से इस टाइप को देखें यहाँ पर बोला गया है कि एक घड़ी है जब मैंने उसमें आज सुबह के दस बजे टाइम देखा तो वो सात मिनट पीछे थी ठीक है और जब मैंने अगले दिन उसी सेम घड़ी में रात के दस बजे टाइम देखा तो वो पाँच मिनट आगे हो चुकी थी तो बताओ किस समय उस घड़ी ने सही टाइम दिखाया था या इत्तेफाक से किस समय वो करेक्ट थे ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को पहचान करनी सिंपल सी बात है कि यहाँ पर एक ही घड़ी होगी और जहाँ पे ऊपर अगर वो लूज़ करती है तो बाद में हमेशा गेन करेगी और अगर ऊपर गेन करती है तो बाद में हमेशा लूज़ होगी ये ऑलवेज़ एक दूसरे से डिफरेंट होंगे लूज़ और गेन के साथ ही कॉम्बिनेशन होगा देखो सीधी सिंपल सी बात है क्यों लूज़ और गेन के साथ कॉम्बिनेशन होगा अगर मैं कहता हूँ एक घड़ी है जिसमें मैंने आज सुबह एक घड़ी है जिसमें मैंने आज सुबह टाइम देखा दस बजे ठीक है तो मैंने कहा वो उस समय पांच मिनट आगे थी सही वक्त से पांच मिनट आगे थी और अगले दिन जब मैंने उस घड़ी में टाइम देखा रात के दस बजे तो वो उस समय आठ मिनट आगे थे तो देखो ये घड़ी कभी करेक्ट तो हुआ नहीं इसे कभी भी करेक्ट टाइम तो दिखाया ही नहीं क्योंकि इसमें जो खराबी है इसमें जो एरर है मार्जिन ऑफ एरर वो बढ़ता ही जा रहा है ठीक है खराबी बढ़ती ही जा रही है तो यहाँ पे दोनों गेन नहीं हो सकते दोनों लूज़ नहीं हो सकते अगर पहले लूज़ होगा तो हमेशा बाद में गेन होगा और अगर पहले गेन होगा तो हमेशा बाद में लूज़ होगा इस चीज़ का ध्यान रखना ये ऐसे ही आएगा आपको सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है बहुत जल्दी सॉल्व होता है सबसे पहले देखो इस घड़ी ने टोटल आज सुबह के 10 बजे से लेके अगले दिन रात के 10 बजे तक कितने मिनट्स का ट्रेवल किया पहले ये सात मिनट पीछे थी इस टाइप से समझो सपोज़ ये है करेक्ट टाइम ठीक है तो ये यहाँ पे सात मिनट पीछे थी और उसके बाद फालतू तो कितना चल गई पाँच मिनट तो, तो टोटल ट्रैवल इसने किए हैं ट्वेल्व मिनट्स तो ट्वेल्व मिनट्स ट्रैवल करने में इसने कितने घंटे खर्च कर दिए आज सुबह के 10 से अगले दिन शाम के रात के 10 तक इसने कर दिए 36 घंटे खर्च तो आपको ऑलवेज़ ऊपर वाले मिनट्स की वैल्यू निकालनी होती है क्योंकि जब ऊपर वाले मिनट्स को कॉम्पनसेट करेगी वो सपोज़ यहाँ पे वो स्लो थी सेवन मिनट्स और इस मोमेंट से उसने गेन करना स्टार्ट कर दिया तो इस सेवन को उसने छः बनाया पाँच बनाया चार बनाया तीन बनाया दो बनाया एक बनाया और ज़ीरो बनाया तो जिस मोमेंट पे उसने ज़ीरो बनाया उस मोमेंट पे वो करेक्ट थी तो हमेशा आप इतने मिनट्स की वैल्यू पता करोगे जो भी ऊपर वाले हैं इसको सॉल्व करोगे तो ये कटा तीन से ये आ गए इक्कीस घंटे इसका मतलब आज सुबह के दस बजे से करेक्ट इक्कीस घंटे के बाद उस घड़ी ने करेक्ट टाइम शो किया था तो आज सुबह के दस बजे में अगर आप आज सुबह के दस बजे में अगर आप इक्कीस घंटे ऐड करते हैं तो ये बनता है अगले दिन सुबह के सात बजे टमोरो के 7 ए एम पर उसने करेक्ट टाइम शो किया था यहाँ तक समझ में आया अब फटाफट फड़ से एक क्वेश्चन और देख लो इस टाइप का ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए इस बार सपोज मैंने कहा कि संडे की सुबह दस बजे मैंने जब घड़ी में टाइम देखा तो वो आठ मिनट पीछे थी या तो पीछे कह लो या स्लो कह लो एक ही बात है ठीक है इसमें पहले क्या बताया हुआ था स्लो था तो चलो इस बार गेन कर देता हूँ फ़र्क तो पड़ता नहीं है बट फिर भी आठ मिनट फास्ट थी या फिर गेंद थी ठीक है और फिर उसके बाद मैंने टाइम देखा उसमें थर्सडे को थर्सडे को टाइम देखा मैंने शाम के सात बजे तो वो सात मिनट पीछे हो चुकी थी ठीक है स्लो या लूज एक ही बात है तो क्वेश्चन ये है कि संडे की सुबह के दस बजे टाइम देखा मैंने तो वो आठ मिनट आगे थी और थर्सडे की शाम के दस बजे सात बजे टाइम देखा मैंने तो वो सेवन मिनट्स पीछे हो चुकी थी तो बताओ किस दिन किस समय वो करेक्ट थे ये है क्वेश्चन अब आप खुद देखो उसे टोटल कितने मिनट्स ट्रैवल किए हैं आठ और सात फिफ्टीन मिनट्स ट्रैवल किए हैं 15 मिनट्स का डिफरेंस पैदा किया है और ये 15 मिनट्स का डिफरेंस पैदा करने में उससे टोटल कितने घंटे खर्च किए ये कैलकुलेशन सही करना इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना संडे से लेकर थर्सडे की शाम के पाँच बजे तक देखो संडे से थर्सडे चार दिन दूर है तो जब वो चार दिन दूर है तो थर्सडे की सुबह के दस तक सीधा ट्वेंटी फोर इंटू फोर हो गया ट्वेंटी फोर इंटू फोर नाइन्टी सिक्स और उसमें देखो कितने हैं सुबह के दस से एक्स्ट्रा नौ घंटे तो नाइन्टी सिक्स में हमने नौ घंटे जोड़े तो ये हो गए एक घंटे ठीक है मैंने आपको बताया था कि ऊपर लूज़ है गेन है इससे फ़र्क नहीं पड़ता जो भी ऊपर के मिनट्स हैं उनकी वैल्यू निकालो तो मैंने एट मिनट्स की वैल्यू निकाली एट मिनट्स की वैल्यू निकाली मैंने 105 सौ पाँच अपॉन्ट पंद्रह इंटू आठ आ गए 56 सिक्स ऊपर के मिनट्स की वैल्यू निकाल कर ऊपर के मिनट्स में एड ऑन कर दो जब मैं संडे के सुबह के दस बजे में छप्पन घंटे जोड़ूंगा तो छप्पन घंटों का मतलब होता है करेक्ट दो दिन और आठ घंटे तो करेक्ट दो दिन के बाद आ जाएगा ट्यूजडे ट्यूजडे की सुबह के दस बज जाएंगे फोर्टी एट आवर्स के बाद उसमें एक्स्ट्रा है आठ घंटे तो करेक्ट टाइम आ जाएगा हमारा ट्यूज़डे की शाम के छ बजे इसने दिखाया था करेक्ट टाइम इतफाक से ठीक है वो वाला क्वेश्चन अलग था जो उससे पहले किया था ये क्वेश्चन अलग है यहाँ पे एक ही घड़ी एक अगर आगे स्लो होती है पहले स्लो होती है तो बाद में फास्ट और पहले फास्ट होती है तो बाद में स्लो और वो किसी एक टाइम पर करेक्ट होती है और वो करेक्ट टाइम हमें निकालना होता है ये हो गया हमारा सेकेंड टाइम कंप्लीट आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अच्छे से सो so, देखो जो हमारा अगला टाइप है वो मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन की फॉर्म में इसको मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है इसमें कहा गया है कि जो मेरी मिनट हैंड है बड़ी सुई है वो छोटी सुई को क्रॉस कर देती है एग्जैक्ट सिक्सटी फाइव मिनट्स में ओवरटेक करना या तो उसे क्रॉस कर देती है या फिर आप इतना समझ लीजिए कि जो बड़ी सुई है वो छोटी सुई से एग्जैक्ट सिक्सटी फाइव मिनट्स के बाद मिल जाती है ठीक है तो कहता है कि बताओ चौबीस घंटे में एक दिन का जो टाइम है चौबीस घंटे में वो कितने मिनट गेन या यूज़ करेगी आपको मैं एक बात बता दूँ इस क्वेश्चन को कराने से पहले ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग कि जैसे ये घड़ी है ठीक है और ये है एक सही घड़ी जिसमें कोई भी ख़राबी नहीं है ठीक है इसके मैं चार डिजिट बनाता हूँ ये है बारह तीन छः नौ और यह है एक और यह दो ठीक है सपोज बच्चों इस घड़ी में करेक्ट बजे हैं अभी बारह ठीक है अब मैं पूछता हूँ कि जैसे ही मैं करेक्ट बारह बजे से ऑन करूँ और इसको ऑन छोड़ दूँ तो अगली बार इन दोनों सुइयों की मुलाकात कितने मिनट्स के बाद होगी ये नहीं पूछ रहा कितने बजे होगी ये पूछ रहा हूँ कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट ईच अदर अगेन ठीक है सो आप ध्यान से सुनना एग्जैक्ट एक घंटा बीतने के बाद एग्जैक्ट सिक्सटी मिनट्स बीतने के बाद जो मेरी बड़ी सुई है वो पहुँच जाएगी बारह पर और छोटी सुई जाएगी एक पर ये बात पक्की है अब अभी तक तो मुलाकात हुई नहीं इन दोनों सुइयों की अब आप ध्यान से सुनो बड़ी सुई को जब इससे मिलना है छोटी सुई से तो कम से कम इसे पांच मिनट तो और चलना पड़ेगा ना तो कम से कम इसे पांच मिनट और चलना पड़ेगा तो जब ये पांच मिनट चलेगी तो उन पांच मिनट में छोटी सुई भी थोड़ा सा तो आगे खिसक जाएगी ना तो वो थोड़ा सा आगे खिसक जाएगी इतने मिनट सो so, अगर हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ लें 60 प्लस 5 प्लस फाइव बाई एलेवन मिनट्स तो यानी कि एग्जैक्ट इतने मिनट्स के बाद दोनों सुइयाँ मिलती हैं ऑलवेज कोई भी सही घड़ी जैसे हमारे घरों में जो घड़ी लगी है बिल्कुल सही घड़ी जिसमें कोई खराबी नहीं है तो उसकी जो दोनों सुइयाँ हैं वो आफ्टर इनको जोड़ लेते हैं ये हो जाएगा सिक्सटी तो ये आ जाएगा सिक्सटी फाइव इस टू फाइव मिनट्स याद रखना स्टूडेंट्स इस वैल्यू को ये एक फिक्स्ड वैल्यू है नॉर्मल क्लॉक के लिए सही घड़ी के लिए जो कभी चेंज नहीं होती है और मेरे शब्दों पे ध्यान दो कि किसी भी नॉर्मल क्लॉक किसी भी सही घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो आफ्टर एवरी सिक्सटी फाइव इस टू फाइव बाई अलेवन मिनट्स के बाद एक दूसरे से मिलती हैं कोई भी खड़ी जो सही है उसकी दोनों सुइयां हमेशा इतने मिनट्स के बाद आपस में मिलती हैं ठीक है पर इस क्वेश्चन में क्या कहता है इस क्वेश्चन में कहता है कि उसकी दोनों सुइयां 65 मिनट्स के बाद ही मिल जाती हैं ओवरटेक करना या मिल जाना एक ही बात है ठीक है अब देखो भले थोड़ी सी खराबी सही पर खराबी तो है ना तो वो कहता है कि 65 फाइव मिनट्स में अगर मिल जाती है तो बताओ कि एक दिन में उसने कितने मिनट्स गेन किए या लूज किए एक चीज़ याद रखना बच्चों अगर वो है फिक्स टाइम ठीक है सही घड़ी का अगर इससे कम टाइम में दोनों सुइयाँ मिल जाती हैं तो ये जो खराबी है इसमें ऑलवेज घड़ी गेन कर रही है ठीक है और अगर इससे ज़्यादा टाइम लेती है जैसे सपोज ये 66 मिनट लेती या 67 मिनट्स लेती इससे ज़्यादा टाइम लेगी अगर दोनों सुइयाँ मिलने में तो इसका मतलब वो घड़ी ऑलवेज़ लूज़ कर रही है फिर से सुन लो अगर इससे कम टाइम में दोनों सुइयाँ मिल जाती हैं तो वो घड़ी ऑलवेज़ गेन करेगी इससे कम टाइम में इससे ज़्यादा टाइम में अगर सुइयाँ मिलती हैं तो वो घड़ी ऑलवेज़ लूज़ करेगी यहाँ तक क्लियर है सो so, आगे देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये दिखता टफ है लगता मुश्किल है पर एक्चुअल में है नहीं और ये उन बच्चों को मुश्किल क्यों लगता है क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को फिक्स वैल्यू पता नहीं होती जिन भी स्टूडेंट्स को फिक्स वैल्यू पता है उससे फटाफट हो जाएगा ठीक है सो so, देखो वो असल में मिलती है सिक्सटी फाइव टू फाइवन मिनट्स के बाद पर यह मिलती है सिक्सटी फाइव मिनट्स के बाद इसका मतलब ये जो घड़ी है इसने पैंसठ मिनट पर कितना गेन किया पैंसठ मिनट चल के गेन इन सिक्सटी फाइव मिनट्स उसने कितना किया सिक्सटी फाइव टू फाइव बाई इलेवन माइनस फाइव इस वैल्यू में से जो भी बड़ी वैल्यू है इसमें से छोटी माइनस कर दो तो ये आ जाएगा फाइव 11 मिनट्स। इसका मतलब ये जो घड़ी शामिल है क्वेश्चन में ये घड़ी हर पैंसठ मिनट में इतने मिनट गेन करती है कॉन्स्टेंटली ठीक है सो so, हमसे पूछा है कि 24 घंटे में एक दिन में 24 घंटे होते हैं 24 घंटे में कितना गेन करेगी तो मैं जानता हूँ 24 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 24 इंटू साठ ठीक है तो ये गेन करेगी इसको डाइट यूनिटरी मेथड लगा दो 5 बाई 11 के नीचे जाएगा 65 और मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू ट्वेंटी फोर इंटू इस क्वेश्चन के साथ दिक्कत यह है कि इस क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी हैवी है ठीक है इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ यह आएगा इसको सॉल्व करके काट पीट करके सो so, स्टूडेंट्स बात इतनी है कि इस क्वेश्चन में कहा था अगर दोनों सुइयाँ एग्जैक्ट 65 फाइव सिक्सटी मिनट्स में मिल जाती हैं तो एक दिन में वो कितने मिनट्स गेन या लूज करेगी तो मैंने आपको बता दिया ये फिक्स टाइम होता है सही घड़ी का सही घड़ी की दोनों सुइयों के मिलने का तो अगर इससे कम टाइम में दोनों सुइयाँ मिलेंगी तो ऑलवेज़ वो गेन वाला केस होगा इससे ज़्यादा टाइम में कोई दोनों सुइयाँ मिलेंगी तो ऑलवेज़ लूज़ वाला केस होगा सो so, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है से चलो एक एग्जाम्पल और देख लो सपोज यहाँ की जगह 63 मिनट्स बोलता मैं कहता कि मेरी घड़ी की दोनों सुइयाँ एग्जैक्ट 63 थ्री मिनट्स में ही ओवरटेक कर जाती है बड़ी सुई या फिर दोनों सुइया मिल जाती हैं तो उस केस में वो 63 थ्री मिनट्स में कितने गेन करतील्यू माइनस सिक्सटी तो ये वैल्यू आ जाती टू टू फाइव बाई इसको सॉल्व करता ये आ जाता है ट्वेंटी सेवन बाई एलेवन अगर तिरसठ मिनट में वो इतना गेन करती है तो अगर हमसे पूछते हैं कि चौबीस घंटे में कितना गेन करेगी तो बस चौबीस घंटे में कितने मिनट्स होते हैं चौबीस इंटू साठ इसकी वैल्यू मैं निकाल देता तो यहाँ पर ट्वेंटी सेवन के नीचे जाएगा सिक्सटी थ्री यूनिटी मैथड ठीक है और मल्टीप्लाई हो जाएगा चौबीस इंटू साठ इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये आंसर आ जाएगा छप्पन से ही आठ बटे सतहत्तर ठीक है कुछ भी हो यहाँ पे 62 मिनट्स होता तो इसमें से 62 माइनस कर देते अगर यहाँ पे 67 मिनट्स होता तो 67 में से इसको माइनस कर देता पर वो बन जाता लूज वाला केस क्लियर इतना तो ये है हमारा टाइप थ्री इसको ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप फोर पे सो so, ये है हमारा नेक्स्ट टाइप देखो ये जो टाइप है ना इसमें दो घड़ियां शामिल हैं ठीक है थीके? मैं आपको बता दूं अभी तक हमने जो तीन टाइप्स पढ़े हैं टाइप वन टू थ्री उन तीनों टाइप्स में एक ही घड़ी शामिल हुआ करती थी और उसके अकॉर्डिंग कुछ कंडीशंस दी जाती थी और उन कंडीशंस को पढ़कर हम आंसर निकालते थे ठीक है पर यहां पर क्या है यहाँ पे दो घड़िया शामिल हैं ये पहला क्वेश्चन है जिसमें दो घड़ियां शामिल है रॉन्ग क्लॉक का पहला क्वेश्चन है जिसमें दो घड़ियां शामिल हैं देखो यहाँ पे कहा गया है कि दो घड़ियां हैं उसमें से एक घड़ी में ये खराबी है कि वो हर दिन सात मिनट लूज़ कर जाती है पीछे हो जाती है और जो दूसरी घड़ी है उसमें ख़राबी है कि वो हर दिन पाँच मिनट गेन कर जाती है आगे बढ़ जाती है फिर कहा गया कि किसी पर्टिकुलर डेट किसी एक दिन उन दोनों को आइडेंटिकल टाइम पे सेट किया गया किसी एक ही वक्त पर सेट किया गया उन दोनों घड़ियों को तो फिर सवाल पूछा गया है कि बताओ कितने दिनों के बाद वो दोनों घड़ियां सेम टाइम शो करेंगी ध्यान से क्वेश्चन समझ लिया आप सब ने अब इसका सॉल्यूशन देखो सबसे पहली चीज क्या दिया गया है कि जो मेरे पास फर्स्ट क्लॉक है या वॉच है वो पर डे में क्या करती थी वो पर डे लूज करती थी सेवन मिनट्स लूज करती थी और जो मेरी सेकंड क्लॉक थी वो पर डे फाइव मिनट्स गेन करती थी ठीक है अगर हम इन दोनों क्लॉक को मर्ज कर दें मर्ज इन द सेंस इनका मीनिंग मर्ज कर दें तो वी विल सी कि 24 फोर आवर्स में इसने क्या किया सपोज अगर ये सही टाइम है तो इसने ठीक है सपोज अगर ये सही टाइम है बीच वाला सही टाइम है तो जो पहली क्लॉक है क्या कर रही है फाइव मिनट्स लूज कर रही है हर बार सात मिनट पीछे होती चली जा रही है एक दिन में सात मिनट पीछे दो दिन में चौदह मिनट पीछे तीन दिन में इक्कीस मिनट पीछे और जो दूसरी घड़ी है ये क्या कर रही है ये फाइव मिनट्स की बढ़ोतरी हासिल करती जा रही है ठीक है एक दिन में पाँच मिनट दो दिन में दस मिनट सो so, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक दिन की बात करूं, 24 फोर आवर्स की बात करूं, तो इन दोनों घड़ियों का जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन में टोटल इन्होंने कितने मिनट्स लगाए हैं 12 मिनट्स इसका मतलब दोनों घड़ियों ने मिलाकर 12 मिनट्स का वेरिएशन पैदा करने में कितने घंटे खर्च कर दिए ट्वेंटी फोर आवर्स ठीक है तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूँगा तो इसका मतलब ट्वेल्व मिनट्स का डिफरेंस या वेरिएशन इन्होंने पैदा करने के लिए कितने घंटे का समय लिया 24 आवर्स का यहाँ तक क्लियर है सो so, देखो एक चीज याद रखना ये जो टाइम है ये हमें क्वेश्चन से मिलता है 12 मिनट्स का वेरिएशन पैदा किया 24 घंटे में सपोज अगर ये वाली घड़ी 8 मिनट लूज करती एक दिन में और ये 6 मिनट गेन करती एक दिन में तो 8 और 6 14 मिनट्स आ जाता इसके बाद हमें क्या करना होता है ऑलवेज ट्वेल्व आर्स की वैल्यू निकालनी होती है ऑलवेज चाहे यहाँ पे कोई भी दिया हो कोई भी वैल्यू दिया हो उसका रीजन ये है कि घड़ी का जो एक गोल चक्कर होता है ना वो ट्वेल्व आवर्स का होता है तो जब ये वाली घड़ी ऐसे लूज लूज करते करते पूरा पूरा एक गोल चक्कर कवर कर लेगी पूरा करके ऐसे और ये घड़ी गेन कर करके पूरा गोल चक्कर कवर कर लेगी तब ये दोनों घड़ियां सेम टाइम शो करेंगी वो कितने दिनों के बाद शो करेंगी वो हम सीख रहे हैं सो ऑलवेज एक कंप्लीट सर्कल जब ये कवर करेंगी अपने अपने हिस्से का तब ये दोनों सेम टाइम शो करेंगे तो कंप्लीट सर्कल किसके बराबर होता है ट्वेल्व आवर्स के इसलिए ऑलवेज यहाँ पे ट्वेल्व आवर्स की वैल्यू निकालनी है जब 12 मिनट्स की वैल्यू ये है तो 12 आवर्स की वैल्यू निकालने के लिए 12 आवर्स का मतलब होता है 12 मिनट्स ठीक है इसकी वैल्यू निकालेंगे ये आ जाएगा 24 के नीचे 12 इन टू ट्वेल्व इन सिक्सटी इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 12 से 12 कट गया अगर घंटों में पूछूं तो 24 इंटू साठ मल्टीप्लाई करके जितने भी आर्स आएंगे इतने आर्स के बाद ये दोनों घड़ियां एक जैसा टाइम शो करेंगे अगर मैं डेज की बात करता हूं तो मैं क्या करूंगा 24 इंटू साठ घंटे को 24 से डिवाइड कर दूंगा क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं इसलिए तो 24 से 24 कटा इसका मतलब सेम टाइम या फिर आइडेंटिकल टाइम क्लियर है अच्छे से समझ में आया जल्दी से एक क्वेश्चन और देख लो सपोज एक घड़ी है वो सात मिनट लूज करती है हर पंद्रह घंटे में और दूसरी घड़ी है वो आठ मिनट गेन करती है हर पंद्रह घंटे में ठीक सो so, इन दोनों घड़ियों ने मिलकर फिफ्टीन मिनट्स का डिफरेंस या वेरिएशन पैदा किया फिफ्टीन आर्स में हमेशा यहाँ पे क्या निकाले बच्चों है 15 से 15 इतने के बाद इतने आर्स के बाद ये दोनों घड़िया एक जैसा आइडेंटिकल टाइम शो करेंगी बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है और यहीं तो इसे 24 से डिवाइड कर देना 2 से थर्टी से तो ये आ गए थर्टी डेज ठीक है So, ये हो गया हमारा फोर्थ टाइप कवर रॉन्ग क्लॉक का तो जो रॉन्ग क्लॉक के मेजर टाइप्स थे वो हमने सारे कवर कर लिए या फिर आप कह लीजिए जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप्स थे आई प्रॉमिस यू कि जो भी टाइप्स मैंने पढ़ाई रॉन्ग क्लॉक में इसी में से कोई ना कोई टाइप आपके एग्जाम में आएगा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा ठीक है एंटाइर क्लॉक चैप्टर जब मैं कंप्लीट कर दूंगा ना आज की क्लास में क्लॉक चैप्टर तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा पूरे एग्जाम में सो so, अब हम क्या करते हैं फटाफट से कुछ एक मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेते हैं क्लॉक चैप्टर के So, देखो ये है हमारा अगला क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है ये दिखने में बहुत सिंपल है बट ये करने में उतना सिंपल सिंपल नहीं जितना ये ये लगता है है एग्जाम्स में में आ चुका है, में काफी सारे स्टूडेंट्स थे जिनका ये गलत हुआ था देखो क्या होता है इस क्वेश्चन में कहा गया है कि घड़ी है वो ट्वेल्व टाइम्स रिंग होने में यानी बारह बार बजने में तेतीस सेकंड का समय लेती है तेतीस सेकंड का समय मतलब कि टोटल जैसे एक बार टिंग हुआ ठीक है टिंग हुआ एक बार और वैसे टोटल टिंग

फोर इंटू थ्री थ्री से कटा इलेवन उनका आंसर आया 22 सेकेंड देखा ए ऑप्शन देखो ये क्वेश्चन आया है इसी वैल्यूज़ के साथ इसी ऑप्शन के साथ टिक मारा और आगे बढ़े उन्हें भनक भी नहीं लगता कि उनसे गलत हुआ ये क्वेश्चन ठीक है पर देखो एक्चुअल में कैसे करना है इसका ट्वेंटी टू रॉन्ग है अब आप ध्यान से सुनिएगा ये जो तैतीस सेकेंड का समय लगा ना ट्वेल्व टाइम्स होने में ये ट्वेल्व टाइम्स रिंग होने में नहीं लगा ये इस ट्वेल्व टाइम्स जो रिंग हुई थी देखो जो सबसे पहले वो टिंग हुई थी सबसे पहले जब वो बजी थी ठीक है सबसे पहले जब वो बजी थी तो उससे पहले थोड़ी कोई वक्त लगा था यहाँ से तो कैलकुलेशन स्टार्ट हुई है ना उसके बाद टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व ठीक है तो ये जो ट्वेल्व टाइम्स रिंग हुई थी इस ट्वेल्व टाइम्स को टोटल थर्टी थ्री सेकेंड्स का टाइम लगा था तो इस 33 सेकेंड्स में इसने इंटरवल कितने कवर किए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन तो याद रखना इन इलेवन इंटरवेल्स को कवर करने में वो घड़ी 33 सेकेंड का वक्त लेती है तो जब वो कहेंगे कि एट टाइम्स रिंग होने में वो कितने सेकेंड्स का वक्त लेती है इसका मतलब सेवन इंटरवल्स कवर होने करने में वो कितना टाइम लेती है तो इसको सॉल्व ऐसे करेंगे ट्वेल्व टाइम्स रिंग होने में तैतीस सेकेंड का मतलब है इलेवन इंटरवेल्स कवर होने में लगे तेंतीस सेकेंड ठीक है तो मुझे बोला है एट टाइम्स रिंग होने का मतलब सेवन इंटरवेल्स कवर करने में कितना टाइम लेगी तैतीस बटे ग्यारह इंटू सात ये कितने से कटा थ्री से थ्री इंटू सेवन यानी इक्कीस सेकेंड का समय लेगी देखो तुक्के में 21 आना एक अलग चीज है ठीक है पर आपको पता होना चाहिए कि जो 21 आया है वो करेक्ट आंसर है और किस प्रोसेस और या फिर किस लॉजिक के तहत आया है तो कभी भी इस क्वेश्चन में जब ऐसे रिंग वाला क्वेश्चन हुआ कि इतने टाइम लेती है इतने टाइम्स रिंग होने में तो जितने टाइम्स भी रिंग होती है करेक्ट इंटरवेल्स निकालिएगा हमेशा इंटरवेल्स एक कम होंगी रिंग होने से और इंटरवेल्स के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा क्लियर है क्वेश्चन सबको सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और क्लॉक चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि जिस समय मेरी घड़ी में सात बजकर बीस मिनट होते हैं उस समय उसके दर्पण में क्या समय होता है अब आप जानते हैं कि जैसे ये एक घड़ी है इसमें तीन बजे हैं यहाँ मिरर है मिरर इमेज वाटर इमेज एक्सेप्टेड चैप्टर है जो मैं पढ़ाऊँगा आपको बाद में तो इसको अगर मैं मिरर में देखूंगा तो ये कितना टाइम होगा जो घड़ी में तीन हैं एक्चुअल में ऐसे घड़ी लेके खड़ा हो जाऊंगा मिरर के सामने तो कितने दिखेंगे नौ दिखेंगे तो ये जो टाइम है थ्री और नाइन इनका जो एडिशन है वो कितना है ट्वेल्व तो याद रखना आपका एक्चुअल टाइम और मेरा टाइम मिलकर ऑलवेज ट्वेल्व एक गोल चक्कर कंप्लीट करता है ठीक है सो यहाँ पे मैं लिखता हूं एक्चुअल टाइम और यहाँ पे मैं लिखता हूं मेरा टाइम मेरा टाइम या मेरा इमेज एक ही बात है सो so, अगर यहाँ पे सात बजे हैं तो बारह आप जानते हैं दोनों मिलके कितने होते हैं बारह तो सात माइनस बारह मिरर में कितने होंगे पाँच यहाँ नौ बचे हैं तो बारह माइनस नौ मिरर में कितने होंगे तीन बट अगर यहाँ पर टाइम ऐसे दे दिया जाए मिनट्स के साथ सात बजकर बीस मिनट तो 12 से ऐसे माइनस नहीं करेंगे 12.00 को ऐसे करके माइनस करें क्या करेंगे ये 12 आवर्स है तो 12 आवर्स को आप क्या कर लो ग्यारह बजकर साठ मिनट मान लो तो अब 11 में से 7 को माइनस करोगे ये हो जाएगा 4। 60 में से 20 को माइनस करोगे ये हो जाएगा 40। सिंपल यहाँ तक समझ में आया अब सपोज़ यहाँ पे टाइम दे दिया नौ बज के बीस मिनट ग्यारह माइनस नौ दो साठ माइनस बीस चालीस आप जानते हैं कि दस बजे तक का कोई भी टाइम होगा वो हमारा ग्यारह साठ से माइनस हो ही जाएगा बट सपोज़ उन्होंने टाइम पूछ लिया बारह बज के पंद्रह मिनट तो इसकी मेरी इमेज क्या होगी तो याद रखना बच्चों 10 बजे तक का कोई भी टाइम दस बज के पचास मिनट वो इसमें से माइनस हो ही जाएगा उसके बाद सिर्फ दो टाइम बचते हैं 11 और 12 तो 11 और 12 के लिए बहुत सिंपल से याद रखना कि 11 और 12 सगे भाई होते हैं वो ऑलवेज एक दूसरे से इंटरचेंज होते हैं दूसरा तरीका भी है वो बता दूंगा बट जो ज़्यादा अच्छा है वो सुनो पहले कभी भी 11 और 12 का कोई भी टाइम आएगा तो वो ऑलवेज एक दूसरे से इंटरचेंज होते हैं क्योंकि सगे भाई होते हैं अगर यहाँ 12 है तो दूसरी तरफ उसका भाई ग्यारह सिक्सटी में से पंद्रह माइनस किए ये आ गया पैंतालीस अगर यहाँ पे टाइम हो रहा होता ग्यारह बज के पच्चीस मिनट ठीक है तो ग्यारह का भाई दूसरी तरफ बारह और सिक्सटी में से पच्चीस माइनस किए ये आ गया पैंतीस सिंपल दूसरा तरीका किसी को इजी मेथड यूज़ नहीं करना ज़बरदस्ती करनी है तो फिर भी दूसरा तरीका सुन लो कि दस बज के कितने भी मिनट होंगे वो ग्यारह साठ से तो माइनस हो ही जाएंगे और अगर आपको ग्यारह या बारह का कोई टाइम मिलता है और इस तरीके से नहीं करने का मन तो आप क्या कर लीजिएगा ट्वेंटी फोर आवर्स वाली जो क्लॉक होती है ना मोबाइल में उसको कंसिडर कर लीजिएगा तेईस घंटे साठ मिनट और इसमें से बारह या ग्यारह के टाइम को माइनस कर लीजिएगा यू विल गेट योर आंसर यहाँ तक क्लियर सबको सो so, ये बहुत इजी क्वेश्चन था फटाफट से दो सेकंड के अंदर ये हो जाता है कोई सा भी टाइम आपको मिलेगा आप उसकी मेरे इमेज फटाफट फाइंड कर लोगे सो so, इस क्वेश्चन के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है अच्छा खासा लेंदी चैप्टर था थ्री क्लासेस में कंप्लीट हुआ है बट आई एश्योर यू कि थ्री क्लासेज में मैंने जितना भी आपको क्लॉक में पढ़ाया है आपके किसी भी एग्जाम में जिसमें क्लॉक का कोई भी क्वेश्चन आए वो इससे बाहर नहीं आएगा पक्की बात है सो so, आप अच्छे ढंग से क्लासेज अटेंड करते रहिए वीडियोज देखते रहिए आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे ठीक है और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं रीजनिंग स्पेसिफिक सॉरी बैंकिंग स्पेसिफिक रीजनिंग स्टार्ट करूंगा सो so, उसमें मैं काफी मेजर चैप्टर्स कवर करूंगा जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया पजल्स हो गए ठीक है तो जिन तरीकों से मैं सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स मशीन इनपुट आउटपुट डेटा एंड एकविलिटी या एंटायर एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ाऊंगा पक्की बात है उन तरीक़ों से आपको डिफरेंट चैनल्स पे या अलग जगहों पे या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में वो मेथड्स आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि वो मेरे सेल्फ मेड मेथड है मैक्सिमम सारे नहीं मैंने भी कुछ मेथड्स अपने किसी सीनियर से या किसी टीचर से या बुक से गूगल से यहाँ से सीखे हैं पर कई सारे मैथड्स ऐसे हैं जो मेरे अपने सेल्फ मेड हैं उनको मैंने मर्ज करके बहुत अच्छी टेक्निक्स बनाई हैं सो so, इसलिए आप क्लासेस देखते रहिए पर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर भी कीजिए अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उन्हें बताएं कि ऐसा ऐसा कोई चैनल है ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और वीडियो देख पाएं सो आज के लिए सिर्फ इतना ही थैंक यू